और सीधे आपको लिए चलेंगे मेरे सहयोगी अशोक सिंघल के पास, जो इस वक्त समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ मौजूद है। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने में लगी है, चाहे वनगीट का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, और अब बजट को लेकर के इंडिया गठबंधन और खासतौर से अखिलेश यादव सरकार की इस बजट को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार बचाओ बजट है। इस वक्त खुद अखिलेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं। वो यूपी से लेकर दिल्ली तक तमाम मसलों पर संसद के भीतर भी बाहर भी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इस वक्त खुद अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आज तक में जुड़ने के लिए। आप अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं, पिछले जब से विपक्षी पार्टियां भारी संख्या में लौटी हैं, जीती हैं चुनाव में 2024 के, अब ताजा मुद्दा जो है बजट का है। बजट को लेकर कल से ही आप लोग कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो सरकार बचाओ बजट है, इसमें बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ दो राज्यों को छोड़कर। अगर हम बजट को देखें, और अक्सर ये होता है कि जब सरकार बनती है तो बहुत खुशियां होती हैं और कार्यकर्ता नेता बहुत खुशी मनाते हैं। बीजेपी खुद इस बात को महसूस करती होगी कि जब पहली बार उनकी सरकार बनी थी, इतनी धूमधाम, खुशियां, मिठाई, सब कुछ बटा था, और जब दूसरी बार सरकार उनकी बनी उससे ज़्यादा खुशियां लोगों ने मनाई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े लगा करके बजाया। लेकिन वजह क्या है कि तीसरी बार जब सरकार बनी तो उतनी खुशियां नहीं आई, और इसी तरह ये बजट है। हालांकि तीसरी बार के सरकार का पहला बजट है, 11वां बजट है, और जो खुशी, जो उत्साह, जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है। ये बजट कम चपत ज़्यादा लग रहा है, बजट के साथ चपत लगा दी गई है, और खासकर उत्तर प्रदेश के लोग निराश हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देख रहा था कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है वहाँ, दिल्ली में भी उनकी है, यूपी में भी वही है, लेकिन इधर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम आंकड़े देखें, कहने को तो सरकार कहती है कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और अगर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बन रहे हैं तो इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी क्यों? और फिर 10 साल जो आपके फैसले थे उसने बेरोजगारी बढ़ाई है, और आज जो आप रोजगार देना चाहते हैं वो रोजगार ऐसे नहीं है कि सम्मान प्राप्त मिलेगा नौजवानों को, सम्मानजनक रोजगार नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि 5,000 की नौकरी आपको मिलेगी, और तब आप कह रहे हैं, जब सरकारी कर्मचारी ये कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह महंगाई है 8वां वेतन आयोग आना चाहिए और उनकी वेतन और सुविधाएं बढ़नी चाहिए, तो सोचिए आज की महंगाई में आप 5,000 की नौकरी देना चाहते हैं, और तब जब आप लगातार सरकार में हैं, तो 10 साल से सरकार में आपने बेरोजगारी बढ़ाई, बेरोजगारों की संख्या बढ़ाई, अब आप सम्मानजनक रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, आप 5,000 की नौकरी देना चाहते हो, इसलिए बजट नहीं है, ये बजट के साथ साथ चपत लगी है। लेकिन आप यूपी की बात कर रहे थे अखिलेश जी, यूपी के साथ तो इनकी सरकार है, क्यों वहां पे अनदेखी की गई, क्या वजह है? आपने कहा सुबह आप लगातार बोल रहे हैं कि वहां पे, क्योंकि योगी नाम तो नहीं लिया आपने, लेकिन एक तरह से कहा कि वहां पे अनदेखी की गई है, क्योंकि जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से ऐसा किया गया। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ मांगा ही नहीं होगा, और अगर कुछ मांगा होता तो शायद दिल्ली की सरकार उन्हें निराश नहीं करती। मान लीजिए बिहार को पैकेज मिला है, और बिहार को इसलिए पैकेज मिला है क्योंकि उन्हें सरकार चलवानी है बिहार के सांसदों से सहयोग लेकर के। अब बिहार की बाढ़ रोकने के लिए पैसा है, तो अगर बिहार की बाढ़ रोकनी है तो भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करनी पड़ेगी, नेपाल अपना पानी रोके या नियंत्रण करे, और वहीं बिहार की बाढ़ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश का भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी नेपाल से आता है, जो उत्तर प्रदेश का पानी बहता है वो सब बिहार में चला जाता है, वही कारण बाढ़ का बनता है, और उनका अपना पानी भी होता है। पर योगी जी ने क्यों नहीं मांगा होगा बजट? ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने विशेष पैकेज क्यों नहीं मांगा, या विशेष योजनाओं के लिए पैसा क्यों नहीं मांगा, या उन्हें विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं जब वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो उसमें ये कहा जा रहा था कि बक्सर से लेकर के भागलपुर तक एक्सप्रेस वे बनेगा, लेकिन वहीं वित्त मंत्री जी ये भूल गई कि एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था,
अगर उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आप बक्सर से जोड़ दें तो शायद भागलपुर से लेकर के दिल्ली तक आपको सीधा रास्ता मिल जाएगा। अब ये 25 किलोमीटर सड़क कौन बनाएगा, क्योंकि जो ये एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार में अलाइनमेंट और बना था वो पखनपुरा तक बना था। एक गांव है गाजीपुर में, पखनपुरा तक वहां पर बना करके छोड़ दिया था, क्योंकि मानक ये कहता है कि अगर आप NHAI की सड़क से जोड़ते तो आप टोल रोड नहीं बना सकते थे। तो अब बीच का जो 25 किलोमीटर का हिस्सा है, दिल्ली सरकार भी बनाना नहीं चाहती, उत्तर प्रदेश की सरकार मांग नहीं रही है। अगर ये 25 किलोमीटर भी एक्सप्रेसवे जुड़ जाए तो देश के लिए सोचो कितना बड़ा एक्सप्रेस होगा कि कोई भागलपुर से चलेगा और दिल्ली तक एक्सप्रेसवे से आ जाएगा। अखिलेश जी, आप लोग कह रहे हैं सरकार बचाओ बजट है, जबकि वो तो कह रहे हैं कि सरकार, ये बीजेपी कह रही है कि हमने हर तबके के लिए इसमें कुछ ना कुछ दिया है। नहीं, अगर आप आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए विशेष पैकेज देंगे, आप बिहार को एक्सप्रेसवे का पैकेज देंगे, आप वहाँ के बाहर नियंत्रण के लिए पैकेज देंगे, और बाकायदा आप उन स्टेट्स का नाम लेंगे। उत्तर प्रदेश का तो एक बार नाम नहीं लिया गया स्टेट का, तो जो सांसद बैठे हैं समझ में तो यही आएगा कि उनको खुश करने के लिए बजट बनाया जा रहा है, उनको खुश करने के लिए बजट दिया जा रहा है। अखिलेश जी, जो बात हो रही है कि पूरी बजट को लेकर तो बात हो रही है, लेकिन चुनाव की अगर बात करें, जो 2024 के चुनाव हुए, आने वाले यूपी के भी चुनाव हैं, अब योगी जी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों चला, सबने देखा, संगठन बड़ा है सरकार से, और आपने भी बीच में कई ऑफर्स दिए, मानसून ऑफर भी दिया, क्यों सरकार गिराना चाहते हैं योगी की, आप किसको वहां से तोड़ करके लाना चाहते हैं? नहीं, मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं उसके बारे में मैं बात कहता हूं। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है, तो विपक्षी लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगाए कोई बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, तो अगर उस पर बैठने के लिए अगर हम कोई ऑफर दें, आश्वासन दें, सवाल यह कि वो कितना खुद ताकतवर है। हमारे बैठाने से कोई नहीं बैठेगा, हमारे ऑफर से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है, लेकिन कम से कम उन्हें तो प्रयास करना चाहिए जो प्रयास चल रहा है, जो कर रहे हैं। क्योंकि इधर उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश के लोग, उन्हें क्या मिला? आप कहते हैं किसान की आय दोगुनी होगी, यूपी का बजट देख लिया, यूपी का बजट भी आएगा, दिल्ली का बजट भी देख लिया, आपने कोई मंडी नहीं बनाई, आपने स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप कर दी उत्तर प्रदेश की। सुनने में आ रहा है कि ड्रोन चलेंगे, अब ड्रोन से बहुत सारी चीजों की मैपिंग हो जाएगी, डिजिटलाइज कर देंगे चीजों को। अरे ड्रोन की क्या जरूरत है आपको, अगर भीड़ देखनी है आप किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, उसमें ड्रोन की जरूरत थोड़ी है भीड़ देखने के लिए। किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहां देखिए कितने लोग इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं, वहां क्या ड्रोन की जरूरत है आपको? तो यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई, यूपी में आपको नौकरी का संकट है। यूपी की क्या मदद की दिल्ली ने, मान लीजिए अगर हम FDI के आंकड़े देखें और निवेश के आंकड़े देखें, यूपी तो बहुत पीछे छूट गया। और अगर आंकड़े ठीक है, अगर मैं समझ रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश को केवल 1% FDI आया है पिछले वित्तीय वर्ष में। जो प्रदेश प्रधानमंत्री बनाता हो, जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत रहा हो, इसीलिए ये लोग हारे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव किया है। ना लखनऊ वाला इंजन कोई काम कर रहा है, ना दिल्ली से कोई विशेष मदद मिल पा रही है। जो डबल इंजन की बात हो रही थी, वो डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं सब ठीक ठाक है, बीजेपी तो कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अखिलेश जी बीच में कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। मैं तो तभी कह रहा हूं जब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ सुनने को मिल रहा है। हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, हाँ, लेकिन कोई परिवर्तन के लिए तैयार होगा तो उसका सहयोग जरूर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है किसी और का पार्टी? नहीं, मैं तो सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल ये किसी के पास कुछ हो तो सही। अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है तो परिवर्तन के लिए समाजवादी लोग तैयार हैं। नहीं, पर मानसून ऑफर आपने दिया, तो आपने ऑफर तो तभी देता है कुछ हो आपके पास देने के लिए। नहीं, हमारे पास तो है, दूसरे पे लेने की हिम्मत ही नहीं है। तो आपको क्या दिखता है अभी? ये लड़ाई तो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, और 27 में हम लोग मिलकर लड़ेंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं नहीं रहेगी। देखिए, जो उनकी तरफ से बात आ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो देखा है, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब सरकारें दोनों एक दल की हों, आपने मंच से कहा कि हम ये करेंगे, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा ये करेंगे, लेकिन जब आप बजट बनाते हैं तो बजट में वो क्यों नहीं दिखता है?
आप पहले स्मार्ट सिटी बना रहे थे, आज सरकार को कैंसर के इलाज के लिए दवाइयों को सस्ता करना पड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बना हुआ जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो सबसे बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसको क्यों नहीं चला रहे हैं आप? एक तो सरकार ये महसूस करती है कि दवाइयों पे अगर सब्सिडी दे रही है, दवाइयों को अगर सस्ता कर रहे हैं कैंसर की, तो इसका मतलब सरकार को पता है कि देश में कैंसर ज्यादा है और गरीब को कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तो जो बना हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है या बने हुए जो हॉस्पिटल में जो कैंसर के लिए सुविधाएं हैं, उनके लिए क्यों नहीं बजट दे रहे हैं? तो इसी वजह से जनता इनके खिलाफ खड़ी हुई। अखिलेश जी, एक और मुद्दा कावड़ को लेकर के वहां चल रहा है कि नेम प्लेट नाम रखना चाहिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाने के बारे में डिस्प्ले करना चाहिए, लेकिन जो एलआईज हैं खासतौर से जयंत चौधरी, उन्होंने भी उस पर नाराजगी व्यक्त की, कहा कि इस पर सोचना चाहिए, जो बीजेपी के एलआई हैं आपके भी सहयोगी रहे। तो आपको लगता है कि जिस दिन से उन्होंने सवाल खड़े किए इस डिसीजन के ऊपर यूपी सरकार के, क्या फिर परिवर्तन हो सकता है, वो आपके साथ जुड़ सकते हैं आने वाले समय में? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, और सौहार्द जीता उसके लिए बधाई। भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती रहती है कि कैसे नफरत फैले, कैसे लोगों के बीच में बंटवारा हो, लेकिन हमें खुशी इस बात की कि जनता में इस तरह का भेदभाव कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जनता जैसे मिल करके रहती थी और एक दूसरे का सहयोग करते थे, क्योंकि रोजगार एक दूसरे को जोड़ता है, रोजगार में हम जुड़ते हैं। बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए उन्होंने ये तख्तियाँ लगवाई और तख्तियाँ हटी, ये सबसे बड़ी जीत है। तो ये सरकार प्रयास इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार के पास कोई कम्युनल मुद्दा नहीं बचा, कम्युनल मुद्दा खत्म हो गया है। सांप्रदायिकता का जो दिया है वो फड़फड़ा रहा है, वो आखिरी वक्त में कैसे कुछ उससे लाभ मिल जाए, इसलिए प्रयास कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। और जिस तरह का माहौल है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सफल नहीं होंगे। जयंत चौधरी को लेकर सवाल था, क्या आपको लगता है, उम्मीद है कि जिस ढंग से सवाल उठाया जा रहा है कुछ कुछ मुद्दों को लेकर, वो द्वारा आपके साथ जुड़ सकते हैं, आप उनको लेंगे साथ में? राजनीति में किसकी क्या मर्जी है मैं क्या जानूं, कुछ लोग आजाद होते हैं अपनी मर्जी से, तो हम की मर्जी है जहां जाना चाहे जाए। अगर आपके साथ आना चाहे, हमारे पास कौन आएगा, हम पे क्या है देने को, न बजट न मंत्री पद, हम क्या दे सकते हैं? लोग तो वहीं जाते हैं जहां कुछ लाभ होता है, हमारे पास तो क्या लाभ है, अभी कुछ नहीं है। अखिलेश जी, एक सवाल हो रहा है, बार बार आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि ये सरकार सेंटर वाली ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, इसके पीछे क्या लॉजिक है आपको, मतलब क्या आपको लगता है क्यों नहीं चलने वाली? वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, एनडीए की सरकार है, एनडीए मिलकर चुनाव लड़ी थी और एनडीए को बहुमत मिला और 5 साल का पूरा एजेंडा लेकर चल रहे हैं वो लोग। ये ठीक कहा आपने, ये चलने वाली सरकार नहीं, ये गिरने वाली सरकार है, कब गिर जाए पता नहीं। और खुशियां मनती हैं, तीसरी बार जब सरकार बनी उतनी खुशी नजर नहीं आई जितनी पहले खुशियां हुआ करती थी, और आज बहुमत की सरकार नहीं है। आप पैकेज देकर के, आप कुछ दे करके, आप जोड़ के रखे लोगों को, तो ये तो जनता देख रही है। और फिर नया क्या है, नया कुछ है नहीं सरकार के पास, अगर कुछ नया किया होता तो नया आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता। इसी सरकार ने महंगाई बढ़ाई, इसी सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई, इसी सरकार में किसान आत्महत्या कर रहा है। कोई कल्पना कर सकता है लाखों किसानों ने आत्महत्या की हो, और फिर आप कहते हो किसान खुशहाल है, आप ही ने सपना दिखाया कि आए तो भी नहीं कर देंगे। आप 500 रुपए का सम्मान दे रहे हैं किसान को, क्या आज की महंगाई में 500 रुपए है? और फिर जो किसान बटाई पे खेती करता है, क्या उसको आप लाभ पहुंचा रहे हैं? आप उसको तो नहीं सम्मान दे रहे हैं। तो आज भी किसान के साथ साथ जो आबादी ज्यादा है, वो बटाई वाला किसान प्लस मजदूर की आबादी ज्यादा है, उसको क्या दे रही है सरकार?